गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी पाठमाला में आकृति जो है वो शुरू करेंगे। तो देखिए आज हमारा क्या टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, शहद के छत्ते। जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हो, शहद जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। और उन शहद को इकट्ठा कहाँ किया जाता है, उनको छत्ते में इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए, गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के साथ छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिन भिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। आसपास रहने वाले गांव वाले नज़र लगाए रखते थे कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी। यानी ये किसी गांव की बात, और गांव में के बाहर एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पे सात मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। और उन सात छत्तों में क्या था, खूब सारा शहद था। आसपास के लोग जब निकलते, यानी उस गांव से बाहर के लोग जब उन छत्तों के आसपास से निकलते, तो वो इस डर से फटाफट निकल जाते कि कहीं मधुमक्खियों ने उन्हें काट तो ना ले। लेकिन गांव के जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि कब इन शहद के छत्तों से शहद टपकेगा और कब इन शहद के छत्तों को तोड़ के शहद को इकट्ठा किया जाएगा। बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे, किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए। रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझा जाते। अब बच्चे क्या करते थे, बच्चे दोने यानी जो प्लेट्स होती, कटोरियां जो होती है, वो पत्तों की कटोरियां बनाते और इस उम्मीद से बनाते कि हो सकता है शहद टपक जाए, हो सकता कब शहद के पत्तों छत्तों की तुड़ाई हो जाए। इसलिए वो छत्ते पत्तों के क्या बना के रखते, दोने कटोरियां बना के रखते। लेकिन वो बनाते और वो मुरझा जाते, क्यों, क्योंकि जब वो दोनों के दोने बनाते यानी कटोरियां बनाते तो वो शहद उनमें होता नहीं और उनके वो दोने मुरझा जाते। होठों पर जीभ फेर कर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। बच्चे क्या सोचते हैं कि आज दोने बना लेते हैं ताकि शहद इनमें हम डाल सकें। लेकिन शाम तक क्या होता, उनमें शहद नहीं भर पाते और उनके दोने मुरझा जाते। और बच्चे क्या करते, अपने जीभ पर अपनी होठों पर अपनी जीभ फेरते और खुश हो जाते। और अपने होठों पर अपनी जीभ को फेर कर क्या सोचते, अपने मन ही मन में मिठास महसूस करते, सोचते कि हाँ हमें शहद मिल गया है। उस दिन गांव में हलचल मची थी, आज रात शहद तोड़ी जानी है। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे, कहीं रस्सी से झूले बना रहे हैं, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेट कर धुरा बना रहे हैं। अब क्या हुआ था, एक दिन गांव में हलचल मच गई थी कि आज तो क्या है, शहद तोड़ा जाना है, यानी शहद के छत्तों की आज तुड़ाई होने वाली है। और जो शहद के छत्ते तोड़ने में माहिर थे, यानी उन छत्तों को जो लोग तोड़ने थे वो अपनी तैयारियां कर रहे थे, कई तो क्या थे, रस्सी से अपने झूले बना रहे थे, कई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़ा लपेट कर अपना धुरा बना रहे थे ताकि वो उसमें शहद इकट्ठा कर सके। और आगे देख, तेल की कुप्पी में तेल भर दिया, टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं, मुंह बंद करके डाट बना रहे हैं, काम वाले कामों में लगे और बाकी बतियाने। अब तेल की जो कुप्पी थी उनमें तेल भर दिया जाता है ताकि धुआं करके उन मधुमक्खियों को उड़ाया जा सके और उनके शहद को लिया जा सके। और जो टीन के पीपे थे उनको धोया जा रहा था, सुखाया जा रहा था ताकि इनके अंदर शहद इकट्ठा किया जा सके। आगे, बाकी लोग तो काम कर रहे थे, यानी जिनको शहद लेना था वो तो सभी अपने काम में व्यस्त थे, और जो बाकी बचे हुए लोग थे वो सारे क्या थे, बातें करने में मशगूल थे। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं, एक बार क्या हुआ, कौन कैसी विकट समस्या आ गई, कैसे सुलझाई गई, शूरवीरों की बड़ाई बखानी जा रही थी। कहने वाले कहने में मग्न थे, सुनने वाले सुनने में मग्न थे। अब जब बाकी के लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। बातें कौन सी कर रहे थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे, उनकी किस्से कहानियाँ ऐसी थी कि एक बार ऐसी समस्या हो गई थी, बड़ी समस्या, यानी उनकी बातों का जो विषय था वो क्या था, छत्ते, शहद के छत्ते, उनकी बातों का ये विषय था। तो बातें कर रहे थे कि एक बार ऐसी समस्या हो गई छत्तों के बारे में, और इस समस्या को कैसे सुलझाया था,
और कौन से शूरवीर थे जिन्होंने इस समस्या को सुलझा लिया था। ऐसी बड़ाइयाँ तारीफें की जा रही थी, यानी शूरवीरों की जिन्होंने इस समस्या को सुलझाया था उनकी बड़ाई की जा रही थी, और कहने वाले कह रहे थे और सुनने वाले सुनने में व्यस्त थे। आगे देखिए। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। इंतजार करते करते बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। अब पूरे दिन बच्चों ने इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद में जब छत्ते से शहद नहीं निकाला गया तो बच्चे थक गए और सो गए। लेकिन अब रात जब हुई तो रात को जो शहद तोड़ने में माहिर थे, शूरवीर थे, वो अपनी टोली यानी कि अपना समूह बना के निकले, ग्रुप बना के निकले। और जो पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर 7 छत्ते लगे हुए थे, उन छत्तों की चारों तरफ से घेराबंदी यानी कि चारों तरफ से घेर लिया, घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, किसी भी शुभ कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो नारियल फोड़ के उस कार्य की शुरुआत करते हैं, तो ठीक वैसे ही नारियल फोड़ के उस कार्य की शुरुआत की गई। अब उनमें एक बूढ़ा आदमी था, वो मन ही मन कुछ बुदबुदाने यानी कि धीरे धीरे होठों को हिला के अपनी बातें बोलने लग गया था। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और धुरा लेकर कुछ लोग छतों की तरफ बढ़े। अब उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या थे, पेड़ पर चढ़ गए थे यानी पीपल के पेड़ पर चढ़े, और डालियाँ थी यानी कि छत्ते के आसपास जो डालियाँ थी वहाँ वो चले गए और अपने झूले बांधे और धुरा लेकर कुछ छतों की तरफ, यानी कि उनको तोड़ने के लिए जो धुरा था यानी उन छतों से किससे तोड़ा जाए वो लेके उन छतों की तरफ बढ़े। हमला हुआ, थोड़ी देर भगदड़ मची, गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठा रहा। अब जब उन्होंने उन मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ना शुरू किया तो मधुमक्खियों ने उनके ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया, यानी उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको डंक मारना शुरू कर दिया। जो लोग थे अपनी व्यवस्था करके आए थे तो जो जहाँ थे वहीं बैठ गए, अपने गमछे को ओढ़ के अपने आप को ढक के वहीं चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज़ के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। पीपो के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज़ के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। पीपो के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। अब जब मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया तो सभी वहाँ नीचे बैठ गए। अब जब मधुमक्खियाँ इधर उधर हो गई और मधुमक्खियों के जो छत्ते थे वहाँ से शहद गिरने लग गया, तो लोगों ने क्या किया, इधर उधर करने लग गए, यानी इनके जो टीन के पीपे थे यानी जो वो सामान लेके आए थे जिनमें उनको शहद इकट्ठा करना था, वो एक तरफ यानी जहाँ से शहद टपक रहा था इधर उधर कर रहे थे। कोई उंगली चाट रहे थे, कोई हाथ, जिनको मधुमक्खियों ने काट खाया था वे खुजला भी रहे थे। एक दो थोड़े सूज फूल भी गई, पर सब मौज में थे। अब जिन जिन को तो मधुमक्खियों ने काटा था वो तो उनको खुजा रहे थे, खुजली हो रही थी, खुजा रहे थे। और कई क्या कर रहे थे, जिनकी उंगुलियां शहद में भीग गई वो उंगुलियों को चाट रहे थे, और जिनकी हाथ भीग गए थे वो अपने हाथों को चाट रहे थे, क्योंकि वहाँ शहद था। शहद क्या होता है, मीठा होता है, तो उस मीठे का मज़ा लेने के लिए उन्होंने उनको चाटना शुरू किया। और कुछ तो ऐसे भी थे जो थोड़े थोड़े सूज गए थे, और कई तो ऐसे थे पूरे ही सूज गए थे, फूल गए थे। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। बच्चों ने छक कर शहद रोटी खाई, किसी किसी ने शहद पराठे का मज़ा लिया, और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया। आज का दिन त्यौहार की तरह लग रहा था। अब रात को ये सभी कार्य हुआ था, यानी कौन सा कार्य है, शहद इकट्ठा करने वाला। अब सुबह जब हुआ तो सारे गांव के लोग एक जगह बैठे और जितना भी शहद था उसके बंटवारे की बात हो गई, तो जिसके हिस्से में जितना शहद आया वो उनको दे दिया गया। अब बच्चों के क्या हुआ, मौज हो गई। किसी ने तो शहद के साथ में रोटी खाई, और किसी ने शहद के साथ में क्या लिया, पराठे खा के पराठों का और शहद का मज़ा लिया। और कई लोग जो थे जिनके हिस्से में थोड़ा शहद आया वो अपनी शीशियों में शहद भरकर अपने घर की तरफ ले गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया था, जिनके हिस्से में शहद नहीं आया तो वो लोग मोम को इकट्ठा यानी कि शहद के छत्तों में से शहद निकालने के बाद में जो छत्ते बचते हैं उनको मोम की तरह इकट्ठा करके उसी से अपना काम चलाया।
तो आज ये दिन जो है वो गांव वालों के लिए किसी भी त्यौहार से कम नहीं था। तो बच्चों आज आपको अपने शब्दार्थ करने, जैसे देखिए देखिए आपको अपने शब्दार्थ करने। उदास का मतलब होता है दुखी, कुप्पी, डिबिया, विकट, गंभीर, दुबककर, छिपकर, बड़ई, बड़ाई, प्रशंसा, सन्नाटा, चुप्पी, हमला, वार। आज आपको अपनी नोटबुक में इन्हीं सभी शब्दार्थों को अच्छे से लिखना है और याद करना है, और दूसरी तरफ आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि हमने आज किसके बारे में ये चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे और समझेंगे। तो हैव ए नाइस डे।